was amazing window 10 keyboard shortcuts you must know. अगर आप विंडो शॉर्टकट जानते हैं तो आप अच्छे से विंडो को ऑपरेट कर पाइएगा, कम समय में ज़्यादा काम कर पाइएगा। पहला टिप है विंडो प्लस ई करने से ओपन माय कंप्यूटर। विंडो प्लस डी करने से जो विंडो खुली मिनिमाइज हो जाएगी, और विंडो प्लस डाउन एरो की करिएगा तो मिनिमाइज होगा, और विंडो प्लस अप एरो की कीजिएगा तो मैक्सिमाइज होगा। तो वन बाय वन इसको करके देखते हैं। कंट्रोल विंडो प्लस ई करिएगा तो विंडो खुल जाएगी, आपकी कंप्यूटर खुल जाएगा। विंडो प्लस डी करिएगा तो जितने विंडो खुली हैं सब मिनिमाइज हो जाएगी, और विंडो प्लस डाउन एरो की कीजिएगा, अप एरो की कीजिएगा और डाउन एरो की कीजिएगा तो वो अप और डाउन हो जाएगा। तो इसको करके देखते हैं। इसमें इसको जाते हैं विंडो अप एरो की और डाउन एरो की। डाउन करिएगा तो छोटा हो जाएगा और अप करिएगा एरो की तो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आया कि विंडो राइट करिएगा तो राइट में स्क्रीन बन जाएगी, और विंडो लेफ्ट करिएगा तो लेफ्ट में स्क्रीन बन जाएगी। फिर आया विंडो टैब करेंगे तो जितनी विंडो खुली है सब दिखने लगेगी आपको, और फिर से टैब दबाएंगे तो वापस आ जाएंगे। फिर विंडो शिफ्ट और एन दबाएंगे तो नई विंडो बन जाएगी। और इसके बाद हम आए विंडो सेमी कोलन। अब आपका मान लीजिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खुला है तो विंडो सेमी कोलन दबाने से आपका इमोजी दिखने लगेगा। तो कैसे दिखेगा, इसके लिए आपको स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए इमोजी आपका आ गया। ये एक बार हम और भी बता चुके हैं आपको, तो आप इमोजी अपने वर्ड या विंडो में या किसी भी एक्सेल में या पावर पॉइंट में ला सकते हैं। तो इसको बंद करते हैं। अब आया आपका विंडो प्लस एल, तो ये स्क्रीन को लॉक कर देगा या स्विच अकाउंट कर देगा। तो आपके नए जहाँ से आप ओपन करके आते हैं वहाँ पे साइन इन में पहुँच जाएगा, लॉक हो जाएगा। फिर विंडो प्लस प्लस करते हैं तो मैग्नीफायर ऑन हो जाता है, प्लस करिएगा तो जूम हो जाएगा और माइनस करिएगा तो जूम आउट हो जाएगा, जो आपको ट्यूटोरियल के समय कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। फिर आपका विंडो प्लस आर करिएगा तो आपका रन खुल जाएगा, जहाँ पर आप CMD अगर लिखते हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे पहुंच जाएगा और वहां पे फिर वापस आ सकते हैं। फिर विंडो प्लस एक्स करिएगा तो कंट्रोल पैनल खुल जाएगा, और वहां जाकर के आपका होम मेनू खुल जाएगा, वहां जाकर आप काम कर सकते हैं। ये आपका कंट्रोल पैनल आ गया। फिर कंट्रोल विंडो प्लस यू करते हैं तो ईज ऑफ एसेस सेंटर आ जाएगा, जहाँ पे स्टार्ट मैग्नीफायर, स्टार्ट नरेटर, स्टार्ट ऑन स्क्रीन को कीबोर्ड और स्टार्ट अप हाई कंट्रास्ट और लो कंट्रास्ट सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आया विंडो प्लस एस, यहाँ पर सर्च बार आ जाता है, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए हमको कुछ चीज काट के स्निपिंग टूल लेना है और हमको अपने विंडो में कुछ चीज हमको कॉपी करनी है, तो मान लीजिए हमको इसमें से कुछ पोर्शन चाहिए तो जो पोर्शन आप कट कर लीजिएगा वो इसमें आ जाएगा। तो ये देखिए आ गया। अब आप इसको यहाँ से एडिट करके कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, तो जो फोटो आपको नहीं मिल पाती है वो यहाँ से आप कट करके बना सकते हैं, तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा और आप अपनी यूज़ की हुई फ़ोटो को ही यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ फिर एक बार करके दिखा देते हैं, स्निपिंग करेंगे हम और ये टूल आ गया, न्यू करिए। अब मान लीजिए ये घड़ी आपको चाहिए और आपको कहीं नहीं मिल रही, तो आप इसको कट करके पेस्ट करके बना सकते हैं। अब यहाँ एडिट किया आपने, कॉपी किया आपने, अब ये कॉपी हो गई तो यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कंट्रोल भी किया तो ये आपकी घड़ी आ गई। अब इसको आप बड़ा करके भी देख सकते हैं और छोटा करके भी, और इसको क्रॉप भी कर सकते हैं।
तो अभी तो हमें चाहिए नहीं, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। तो इस तरह से आप स्निपिंग टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हमने कमांड आज बता दिया, 16 कमांड बताए आपको, इसकी प्रैक्टिस करिए और आप विंडो को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। पहले भी हम कुछ टिप्स बता चुके हैं विंडो की, आप मेरे टिप्स एंड ट्रिक में जा कर के विंडो के प्लेलिस्ट में जा कर के आप विंडो की टिप्स एंड ट्रिक्स देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर, फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक एंड गो टू द टेलीग्राम चैनल टेक रतन। थैंक यू। और प्लीज़ अगर ये अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, थोड़ा से कोऑपरेट किया कीजिए, हम लोग को सपोर्ट करा कीजिए, जिससे हम लोग आगे और अच्छे वीडियो बना पाएं।